जम्मू कश्मीर में सेना ने सीमा पार से ड्रग भेजने की बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया है। दरअसल सेना ने पुंछ के जरिए जम्मू कश्मीर में नशीले पदार्थों की बड़ी खेप भेजने के पूरे मंसूबों पर, पूरी रणनीति पर पानी फेर दिया है। सेना ने बताया है कि ड्रग लाने वाला एक शख्स भी मारा गया, जबकि दो लोगों को शाहपुर सेक्टर में पकड़ा गया। आपको बता दें कि इस घुसपैठ की कोशिश 8 से 9 अप्रैल की रात को हुई थी। जैसे ही नियंत्रण रेखा पर जवानों ने घुसपैठ देखी तो गोलियां चलानी शुरू कर दी, जिसके बाद घुसपैठियों से ड्रग्स के 14 पैकेट बरामद हुए हैं। बताया जा रहा कि तीनों घुसपैठिए पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी कि पीओके के रहने वाले थे। यहाँ पे आज रात को 2:30 बजे फायरिंग शुरू हुआ और 4 बजे तक रहा। पहले 2.5 साल से यहाँ पे बहुत अमन और सुकून से रहे, और बाद में सुबह ये पता चला कि यहाँ पे मसला हो गया और बोल रहे हैं पता नहीं दहशत तो यहाँ पे फैली हुई है और हम डर गए हैं बहुत ज़्यादा। लिहाजा हमारी अपील है आपसे कि उसमें हम ये दोनों मुल्क हम तो शांति से रहें और हम भी सुकून से रह सकें। अगर LOC पर शांति व्यवस्था कायम हो तो पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। ये कोई पहली बार नहीं है, इससे पहले भी जम्मू कश्मीर में सेना ने दुश्मन के नापाक मंसूबों को नाकाम कर दिया था। घाटी में सीमा पार से हथियार और ड्रग्स की सप्लाई आए दिन की जाती है, लेकिन सुरक्षा बल इन नापाक मंसूबों को कामयाब होने नहीं देते। LOC पर पाकिस्तान सुधर नहीं रहा है और बार बार हालात खराब करने की कोशिश करता है, लेकिन हमारे सुरक्षा बल हर बार उनके मंसूबों पर पानी फेर देते हैं।